बटाला में करवाए जा रहे राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप के दूसरे दिन भी आम मुकाबलों की तरह घोड़ों की दौड़ व घोड़े के जंपिंग मुकाबले करवाए गए, जिनमें पंजाब पुलिस के साथ साथ निजी घुड़सवारों के घोड़ों द्वारा अलग अलग मुकाबलों में परफॉर्मेंस दिखाते हुए सिल्वर व गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए। मैनू 10-11 साल हो गए राइडिंग करते हुए, तो ये घोड़े असी नवे लते सीगे, ये जर्मनी की नस्ल है, इन्हों वॉमलट कहते हैं, तो ये नस्ल सिर्फ जंपिंग वास्ते पैदाइश होंगी है ये घोड़े, तो इतने आके मैनू बहुत वधिया लग रहा। इतने घोड़िया का चाका भी खुल जाता है क्योंकि कई तरह तरह के शो हो रहे हैं, घोड़िया वास्ते बहुत वधिया स्कूलिंग है, तो मैनू लगता है पंजाब पुलिस ने ते सरकार ने बहुत वधिया इत्थे पशुआं दा मेला कराया। इंडिया भारत सरकार की एक बहुत तुसी राइडरां दी बदकिस्मती भी समझ सकते हो कि आपां अपने घोड़े बाहर नहीं लैके जा सकते कॉम्पीटिशन खेडन वास्ते, क्वारंटीन दे रूल्स ने इंडिया चे, ते अपने घोड़े बाहर नहीं जा सकते, पर बाहरों घोड़े आपां इत्थे इंपोर्ट कर सकते हैं, ते बाहरले घोड़े इत्थे आके गेम खेड सकते हैं। जे बाहर जाके राइडर नूं पहला एशियन गेम्स लई क्वालीफाई करना पैंदा, फिर उत्थे जाके घोड़ा हायर करना पैंदा, ते उत्थे उदां गेमां खेडियां दी, पर प्रैक्टिस करन नूं चाहिदा बाहर। किन्नी को मेहनत जे कह लिए इस चीज़ में लाया कि घोड़े की जां राइडर की किन्नी को मेहनत लगती है? घोड़ियां चे तां दिन रात की मेहनत हुंदी है, सब तो ज़्यादा इन्हां दी मेहनत हुंदी है, ये सामदे ने घोड़ियां नूं, एंड ट्रेनिंग चे बहुत मेहनत लगती है, इन्हां दा दाणा पानी, ये घोड़े बहुत सेंसिटिव जानवर ने, छोटी जी चीज़ां ते इन्हां नूं बीमारियां हो जांदियां, सो मेहनत इन्ना च पूरी साल लगती है, मेहनत ट्रेनिंग च भी, इन्हों सामभन च भी। तुम्हें लगता कि ना कि इन्नी मेहनत करने के बावजूद भी इंडिया के इस तरीके की गेम में उन्नी ही रिस्पोंस या उन्नी बैक मिलती है लगता थोनों? कई सालों ली जिहड़ी शो जंपिंग ते इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स है वो आर्मी के कब्जे च सी, तो आर्मी कंट्रोल करती सी, हुण पिछले 10-15 साल सिविलियनस बहुत इस गेम च इंट्रस्ट लैन लगे ने, सिविलियनस ने बहुत सारे वधिया सांड बाहरों इंपोर्ट किए ने, इत्थे भी ब्रीडिंग की है बहुत वधिया। 11 साल का तुहाडा तजर्बा, नवी जनरेशन जी गेमां नाल जुड़ना चाहती है, इस राइडिंग लैके की कहना चाहोगे? मैनू लगता मेरे लिए तो घोड़सवारी एक नशा है, तो मैं तो सारे यंगस्टर्स नूं कहांगा तो सारे यूथ नूं कहांगा कि एक बहुत वधिया खेड है, इहदे नाल घोड़िया नाल ते जानवरां नाल एक रिश्ता बनता, तो उही रिश्ता गेम च भी काम आता, जे थोड़ा घोड़े नाल तालमेल ना हो ते गेम खेडनी बहुत औखी है। सर मैंने 3 साल हो गए भर्ती हुई, मैं पंजाब गुड़गांव ऑल इंडिया पुलिस मीट से इस घोड़ी से मैं टॉप स्कोर से गोल्ड मैडलिस्ट लिया नैशनल बेस से, तो अज इसका एक सिल्वर तो गोल्ड मैडल है शो जंपिंग ओपन। कितनी को मेहनत करनी पैंती रोजाना अगर इस लैवल पर जाना हो? सर इस लैवल पर जाने लई सुबह शाम मेहनत तो करनी पैंती है, अक्सर जो कोई बनना तो वो मेहनत बहुत जरूरी है, तो जो साडे कोच सबैंड करा रहे असं डेली उही मेहनत करते हैं। की रूटीन रही फिर तुहाडी रोजाना घोड़े नाल? सुबह शाम दो टाइम काम चाहिए घोड़े में, दुपहर खुराक दे दी है, तो जिदे करके भी चंगी परफॉर्मेंस कर सकें। खुराक सानू 5.5 किलो डाइट मिलती है जी, किलो चने, किलो जमी, 1.5 किलो चौकर, तो किलो छोले। राइडर वास्ते मिलती है? नहीं राइडर वास्ते नहीं, राइडर वास्ते बस सिंपल पे मिलती है जो अपनी अपनी तरफा मिल, कोई सरकारी तौर पर कुछ नहीं मिलता सानू? नहीं बेनीफिट मिलता ही सानू, नैशनल बेस से जो मैडल होंगे 40 नंबर अकाउंट होंगे गोल्ड के, तो लोअर करने लिए सानू 50 नंबर की जरूरत है, ये सानू बहुत वड्डा बेनीफिट है सरकार वालों कि असी स्पोर्ट्स करते हैं, ये करके साडा ग्रेड रैंक अप होंगे। जम नवी जनरेशन में यही है जी, एक तो सब तो वड्डा है शौक बहुत वधिया, बंदा नशे तो रहत रहा, घोड़े नाल प्यार जानवर नाल प्यार रहा, मेहनत करो नशे तो बंदा हमेशा दूर रहा, स्ट्रगल अजकल जिंदगी जो वध कर लूगा कामयाब हो जाऊगा, बाकी इस दौड़ चा हर कोई भजे रहा तो स्ट्रगल वाले जरूर फल मिलता। एन स्टार न्यूज़ के लिए बटाला से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट।